शांति। आज है मीठे मीठे प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा के व्यक्त से अव्यक्त होने का पुण्य स्मृति दिवस। मेरे मानस पटल पर इतनी सारी स्मृतियों के बादल चारों ही ओर से इतने उमड़ घुमड़ कर और मेरे पर घिराव कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ से मेरे मीठे मीठे विश्व के नव निर्माता के लिए निमित्त बने हुए, नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बने हुए ब्रह्मा बाबा के विषय में मैं आपको बातें बताऊं और उसका आरंभ मैं कहाँ से करूं। इतनी सारी स्मृतियाँ, क्योंकि आज करीबन 55 से 56 वर्ष होने आए हैं और निरंतर परमपिता परमात्मा और उनके साथ साथ मीठे मीठे नई दुनिया के स्थापक और नई दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चरित्रवान, सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे पूरे कल्प के अंदर मनुष्यों में नाना देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवी और देवता श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को भी ऐसा श्रेष्ठ पद प्राप्त कराने वाले मीठे मीठे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी पिता शिव परमात्मा भी उतने ही याद आ रहे हैं जितने मुझे आज ब्रह्मा बाबा की मीठी मधुर कल्याणकारी जीवन परिवर्तन करने वाली स्मृतियाँ और उनकी ज्ञान की बातें, उनका प्यार, उनकी मीठी मीठी मधुर शिक्षाएं आदि आदि मुझे आज याद आ रहा है। कहते हैं परमपिता परमात्मा की महिमा में कि सारी धरती को कागज कर लें, जितने भी पेड़ समुद्र नदियों का पानी है और उनको घोलकर और पेड़ की जितनी भी डालियां हैं उनकी कलमें बनाएं और यदि प्रभु के गुण गान लिखने बैठें तो माँ शारदा सरस्वती लिखती है, कहती है, शास्त्रों में वर्णन है कि माँ सरस्वती कहती है कि मैं प्रभु की महिमा इतनी अपरम अपार है कि मैं ये सब साधन लेकर भी बैठूं तो भी उसकी महिमा का पार नहीं आता। लेकिन मैं आज उस परमपिता परमात्मा की रूहानी आत्मा संतान और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की ब्रह्मचर्य व्रत धारी राजयोगिनी ब्रह्माचारी, मैं ब्राह्मण संतान ब्रह्मा बाबा की भी महिमा सुनाने के लिए आज मुझे भी ये कहना पड़ रहा है
और ये एक हकीकत है, वास्तविकता है, सत्य है, जिस सत्य को सभी को स्वीकार एक न एक दिन अवश्य करना ही है, जैसे लाखों आत्माओं ने किया है। और वो यह है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं। आदम कहते हैं आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा को, कोई उसे एडम भी कहते हैं। एडम और ईव की कहानी भी सभी को, कईयों को पता है। और प्रजापिता ब्रह्मा वह तो हमारे जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और हमारे जो भी हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, उन्होंने सभी ने ब्रह्मा का वर्णन करते यह बात जानी है, पहचानी है और मानी है कि परमात्मा को कहते हैं जी ओ डी गॉड, स्थापना करता, पालना करता और विनाश करता। तो स्थापना का कर्तव्य परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा के ऊपर जिम्मेवारी रखी। तो ये वही प्रजापिता ब्रह्मा है, ये वही आदम है, ये वही एडम है, जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जब जब ये सृष्टि अधर्म से पतित हुई, भ्रष्टाचारी हुई, व्यभिचारी हुई और अपवित्र बनी, दुखदायी बनी, अशांति वाली बनी, तब परमात्मा ने इनके ही तन में प्रवेश करके और एक नई दुनिया की स्थापना करने का दिव्य संकल्प किया और उनमें प्रवेश किया। और उनके द्वारा फिर जो नई दुनिया का कार्य करना कराना शुरू किया, तो उस कर्तव्य के आधार पर उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सन 1937 से लेकर के फाउंडर रहे। और आज यह वर्ष इस संस्था की प्लेटिनम जुबिली है और मुझे अति हर्ष हो रहा है कि मैं अपने प्यारे ते प्यारे मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्यार के सागर, मास्टर पवित्रता के सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर विश्व कल्याणी, मास्टर विश्व वरदानी, मास्टर सृष्टि नव सृष्टि के रचयिता, उस ब्रह्मा बाबा के अंग संग मैंने जो कुछ वर्ष बिताए, कुछ घड़ियों के रूप में, क्योंकि ऐसे वर्ष बीत गए जैसे कुछ घड़ियां ही मैंने बिताई, लेकिन वह घड़ियां मेरे जीवन की इतनी अनमोल घड़ियां हैं, क्योंकि मेरे जीवन का परिवर्तन हो गया। और वो परिवर्तन सिर्फ ये जन्म का नहीं, लेकिन मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ कि आज मेरे अनेक जन्मों का जीवन प्रभु ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा परिवर्तित कर दिया और मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। तो आज मैं कुछ बातें ब्रह्मा बाबा की आप सभी के भी सन्मुख रखना चाहती हूँ, ताकि जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, उनकी पालना जिन्होंने नहीं ली, उनको ये ना लगे कि हमने अपने पिता को नहीं देखा। हमने देखा है, हमने उसको पाया है, हमने उनकी पालना ली है। और कैसे थे हमारे प्यारे मीठे ब्रह्मा बाबा, ये तो हर ब्राह्मणों को जानने की अति 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 जिज्ञासा होती है। तो आज मैं आपके आगे वह बातें रख रही हूँ। मुझे याद आता है वह दिन मैं जब विश्वविद्यालय में आई, मैं बाबा की बच्ची बनी और फिर बाबा को जब यहाँ विश्वविद्यालय के बाबा के ही घाटकों पर सेवा केंद्र पर बाबा को आमंत्रित करके जब बुलाया, तो मेरे दिल के अंदर अति उमंग थे, क्योंकि पहली बार सेवा केंद्र बाबा की ही श्री मत पर और लौकिक पिताजी ने भी बाबा की श्री मत पर दहेज में यह सेवा केंद्र मुझे दिया।
और बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। तो बाबा को जब सेवा केंद्र पर आमंत्रित किया तो यह पहला प्रसंग था कि स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के रथ सहित इस सेवा केंद्र का उद्घाटन करने के लिए आए। तो मेरे दिल के उमंगों के कारण और मेरे पुराने स्वभाव और संस्कारों के कारण मैंने काफ़ी कुछ, जितना मेरी उस समय की समझ थी, मेरा जो स्वभाव था, मैंने बहुत अच्छा सेवा केंद्र सजाया। लेकिन उस सजावट में अति ध्यान आकर्षित करने वाली कोई चीज़ थी, तो जहाँ मैं आज बैठी हूँ और आप लोगों को ये सुना रही हूँ, तो इस सेवा केंद्र का क्लासरूम, वहाँ मैंने जो पर्दे लगाए थे वो पर्दे बहुत ही दाम दे करके, ऊंची कक्षा के और ऊंची कीमत वाले पर्दे थे और बहुत ही सादगी को तोड़ने वाले पर्दे थे। तो बाबा जब आए, सारा कार्यक्रम हो गया, बाबा ने उद्घाटन किया, बाबा ने ज्ञान मुरली सुनाई, बाबा ने सभी को अपने हाथों से टोली दी, फल दिया, फिर बाबा तो चले भी गए, यहाँ से क्या गए, लेकिन हमारी नज़रों से भी कुछ वर्षों के बाद ओझल हो गए। लेकिन मुझे वह दिन याद है, यहाँ से बाबा मुंबई से थोड़ा दिन रहने के पश्चात जब माउंट आबू में गए, और फिर मैं जब माउंट आबू के मधुबन में पहुंची, तब मैं एक दिन बाबा के पास बहुत सरलता के साथ कुछ बातचीत करती हुई, पिता पुत्र के प्यार का रस लेती हुई बाबा के आगे बैठी थी, बाबा से बातें कर रही थी। तो बातों ही बातों में कोई ऐसा सब्जेक्ट निकला, तो मीठे मीठे बाप दादा ने इतना प्यार से मुझे एक शिक्षा दी, मुझे कहा, देखो मीठी बच्ची, अभी तुम ब्रह्मा कुमारी बनी हो, और मीठे मीठे बाप दादा हमें संगम युग पर पवित्र बना रहे हैं, स्वच्छ बना रहे हैं, और हमारा जीवन सादगी पूर्ण बना रहे हैं, क्योंकि हमें अब इस पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया के जो भी आकर्षण हैं, हमें उनसे अभी दूर जाना है। बच्ची, मैं जब आया था तुम्हारे पास, तो तुम्हारे क्लासरूम में जो तुमने पर्दे लगाए थे, बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। मैं खुश हो गई कि बाबा मुझे बहुत अच्छी महिमा सुना रहे हैं। लेकिन एक शिक्षा का तरीका समझने का है, सीखने का है। बाबा ने पहले तो महिमा की ताकि मेरे दिल को ठेस न पहुँचे, फिर बाबा ने धीरे से मुझे कहा, लेकिन बच्ची, तुम ब्रह्मा बाप की बेटी हो, तुम शिव बाबा की पोत्री हो, और तुम्हें तो अभी दुनिया के लिए मिसाल बनना है, आदर्श बनना है, सभी को त्याग तप और तपस्या का तुम्हें आदर्श दिखाना है। तो बच्ची, जो भी चीज़ें लो, सेंटर को चलाना है, जो भी खरीदी करो वो बहुत ऊंचा भी न हो, बहुत हल्का भी न हो, लेकिन मध्य में रहना है, साधारण हो करके चलना है। मैं तो ये सुनकर सचमुच अंदर में प्रसन्न भी हुई। प्रसन्नता इसलिए हुई कि शिक्षा और सावधानी सदैव अपने देते हैं, जिनको हमारे से प्यार होता है, ममत्व होता है, वही व्यक्ति हमें अपना समझ करके शिक्षा देती है और हमारी कुछ एक हल्की गलतियों की तरफ इशारा देती है। तो बाबा ने जब मुझे ये दिया तो मुझे अपनापन महसूस हुआ कि बाबा ने मुझे कितनी अच्छी बात सिखाई, और तब से मैंने जीवन के अंदर यह पाठ पक्का कर लिया कि जीवन के अंदर मुझे कैसे सादगी में चलना है, क्योंकि साधारण ब्रह्मा तन में असाधारण शिव बाबा के होते हुए भी उस असाधारण ने साधारण को ऐसा साधारण बनके चलाया
कि वो निमित्त भाव में चले। और मैंने ये पाठ सीख लिया कि कैसे जिंदगी के अंदर सादगी, पवित्रता, यही हमारी सच्ची सच्ची पर्सनालिटी है। अतः जिंदगी में, जीवन में सादगी आई। पवित्र जीवन तो हमने पहले ही निर्णय कर लिया था, और मैं पवित्रता के कारण ही इस विश्वविद्यालय को मैंने पसंद किया था। फिर अब मैं, मुझे एक दूसरी बात याद आती है कि वह असाधारण बाप, निराकार, निर्विकार और विदेही, और यही कारण है कि साकार बाबा के अंदर भी हमने वह निर्विकारिता देखी। साकार बाबा के अंदर भी उस असाधारण शिव बाबा के संग का इतना रंग चढ़ा हुआ था कि बाबा भी सादगी युक्त, नहीं तो बाबा लौकिक जीवन में बहुत बड़ा ज्वेलर था, जैसे कि राजा था, राजाओं महाराजाओं से कनेक्शन था, फिर भी बाबा बिल्कुल साधारण सफेद वस्त्रधारी, बिल्कुल सफेद पोशधारी, जैसे कोई फरिश्ता। वो बाबा का फरिश्ता स्वरूप चेहरा, हर्षित मुख चेहरा, हर बच्चे को, छोटा चाहे बड़ा, हरेक को प्यार देना, हरेक को अपनापन देना, हरेक को रिस्पेक्ट देना, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो उसको भी रिस्पेक्ट, बड़े हों, बुजुर्ग हों, हरेक को उनके रीति से रिगार्ड देना, ये सब हमने बाबा से सीखा। तो जो निराकार, निर्विकार, निरहंकारी, विदेही शिव बाबा है, उनके सारे गुण हमने साधारण स्वरूप ब्रह्मा बाबा के अंदर देखे, क्योंकि संग जो उनका था, निरंतर बाबा का बुद्धि योग, निरंतर बाबा की लगन शिव बाबा के साथ होने के कारण सारे शिव बाबा के गुण ब्रह्मा बाबा में नजर आए। जैसे मैंने देखा कि बाबा को, बाबा ने कन्याओं, माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा था, तो बाबा जब भी क्लास में आते थे, ब्रह्मा बाबा की मैं बात बता रही हूँ, तो जहाँ बाबा दो तीन स्टेप चढ़ करके जैसे ही मधुबन के हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते थे, तो पहले माताओं का वहाँ बैठक होती थी और दूसरी और भाई लोग बैठते थे, तो बाबा माताओं के आगे आके खड़े हो जाते थे, और ये माताएं, कन्याएं, बहनें, स्त्रियां जो मनुष्य गुरुओं के पैर पड़ती, जिनके पति उनको ये कह सेवा करने को मजबूर करते कि मैं ही तेरा पति परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरा स्वामी हूँ, मैं ही तेरा गुरु हूँ, मैं ही तेरा उद्धारक हूँ, मेरे बिगर तेरा कोई वजूद नहीं, और तुम हो तो तुम क्या हो, कभी कभी तो ऐसे शब्द भी उनको सुनने पड़ते थे कि तुम पाँव की जूती हो, तुम्हारे में अक्ल नहीं होती, तुम लोग बेअक्ल होती हो, क्योंकि अनपढ़ होती हैं। तो ऐसे बहुत स्त्रियों की, माताओं की, कन्याओं की, महिलाओं की, नारियों की ताड़ना की जाती थी, अवहेलना की जाती थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने माताओं कन्याओं पर ज्ञान का कलश क्या रखा, सारी प्रॉपर्टी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा समर्पित कराई, और ब्रह्मा बाबा ने खुशी खुशी से एक सेकंड में झटकू हो करके समर्पित कर दिया। तो समर्पितता का पाठ सीखा, अगर समर्पित होना है तो एक झटके में होना है, सोच सोच कर, चिचला चिचला कर हमें समर्पित नहीं होना होता है। प्रभु प्यार समर्पण सिखलाता है, कहते हैं जिससे प्यार होता है ना उसके प्रति समर्पण भाव भी स्वयं स्वतः ही सहज होता है, तो वो बाबा में देखा। पर बाबा जब भी क्लासरूम में आते थे, माताओं के सामने खड़े होकर के, और बाबा हाथ जोड़ करके और उनको कहते थे वंदे मातरम, और माताएं गदगद हो जाती थी, और सदैव चिंतन बाबा का चलता रहता था कि मैं इन नारियों को अब ऊंचे स्थान पर पहुंचाऊं। इसलिए बाबा के वह मीठे मीठे बोल, नारी तो स्वर्ग का द्वार है न कि नरक का द्वार है, नारियों के बिगर विश्व की किसी भी मनुष्य आत्मा का
उद्धार नहीं। तो इस प्रकार बाबा की नम्रचित्तता देखी, निर्माणता देखी, निरहंकारिता देखी। और एक बात और भी मैं बताती हूँ, समय तो कम है लेकिन मुझे बातें बहुत बताने को मन करती हैं। बाबा के सामने बच्चे आते थे, बाबा रोज टोली बांटते थे, लेकिन कभी कभी बाबा बच्चों को उठाकर उनके द्वारा टोली बंटवाते थे। तो बाबा कभी कुमारी को उठाएंगे, प्रश्न पूछ करके उनके जीवन का परिवर्तन कर देंगे। कुमारी को पूछेंगे कि तू सूट पैंट वाले से शादी करोगी या पीताम्बरधारी से शादी करोगी, उसको अपने जीवन का निर्णय करना। वह बाबा के प्यार में, बाबा को देखते हुए बाबा के आदर्श को अपने जीवन में अपना लेती थी। और बाबा को जब कहती थी कि बाबा मैं तो पीताम्बरधारी से शादी करूंगी, बाबा कहते थे टोली बांटो। ऐसे ही बाबा युगल को बुलाते थे, दोनों आते थे। बाबा उस पति को पूछते थे, तुम ज्ञान में पहले आए या तुम्हारी पत्नी पहले ज्ञान में आई? वह कहता था, पहले मेरी पत्नी ज्ञान में आई और वो मुझे यहाँ पर लेके आई, तो मेरी यह गुरु है। तो बाबा उसको प्रश्न पूछते थे, कभी उसको तुमने माता गुरु कह करके वंदना की है? वो बेचारा शांत हो जाता था, क्योंकि थोड़ा पुरुषों में कभी कभी ईगो रहता है, ईगोइस्ट होते हैं। दे अभिमान के कारण वो पत्नी को इतना ऊंचा दर्जा दे, माता गुरु फिर प्रणाम करे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन बाबा कहते थे, देखो इसने तुझे प्रभु से मिलाया, ये तुझे नई दुनिया में ले चल रही है, स्वर्ग में ले चल रही है, तो ये तेरी गुरु हुई, ये तेरी माता हुई, ये वंदना करो इसको। देखो बाप भी, स्वयं भगवान भी ब्रह्मा के द्वारा इन माताओं को नम्र होकर, निराभिमानी होकर वंदना करता है। फिर वो अपना दे अभिमान, बाबा की ये मधुर वाणी, बाबा की प्रैक्टिकल जीवन की धारणा देखकर सुनकर वह भी तैयार हो जाता था। देही अभिमानी होकर वह भी अपनी पत्नी को कहता था, माँ गुरु मैं वंदना करता हूँ। तो बाबा उसको दरज्जा दिलाता था माता को, और वो दरज्जा वो भी खुशी खुशी से दिलवाता था, और वो भी खुशी खुशी से देते थे। जब ऐसा सुखद संबंध दोनों पति पत्नी के बीच में होता था, तब बाबा फिर उनको कहते थे, आप भी टोली बांटो। फिर वो बहन को कहते थे, आप माताओं में टोली बांटो, भाई को कहते थे, आप भाइयों में टोली बांटो। और इस प्रकार उनको खुशी मिलती थी, शिक्षा भी मिल जाती थी, सावधानी भी मिल जाती थी। और पवित्रता की तो मैं बात ही क्या करूँ। पवित्रता की बात करते हुए मुझे अति हर्ष हो रहा है कि उसके लिए निमित्त हमारी लौकिक माँ बनी। एक युगल यहाँ घाटकोपर के क्लास में आता था, लेकिन उनको कुछ छिपाने की, झूठ बोलने की आदत थी। अब बाबा का तो उन दिनों में इतना स्ट्रिक्ट नियम था, इतना स्ट्रिक्ट कायदा था, जो हम कायदे का पालन करते थे। कोई भी भोग के ऊपर जब बाबा को भोग लगाते हैं, कोई भी अपवित्र इस क्लासरूम के अंदर नहीं बैठता था। सब पवित्र आत्मा जो माना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे वही बैठते थे। लेकिन वह युगल अपवित्र होकर आकर के सभा के बीच में बैठ जाते थे। तो जैसे ही लौकिक माँ जो है वो ट्रांस में जाकर के भोग लगाती थी बाबा को, तो वो ट्रांस में जा नहीं पाती थी, उसको वॉमिट जैसा होता था। तो वो समझ जाती थी, उसको बाबा की तरफ से इशारा मिल जाता था कि कोई तो सभा में, इंद्र सभा के अंदर पतित बन करके बैठा हुआ है। तो लौकिक माँ इशारा देती थी कि सभा के अंदर यदि कोई ऐसा बैठा हो तो कृपया उठ करके दूसरे कमरे में जा करके बैठे। लेकिन वो नहीं उठे। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही रहा, तीसरे दिन भी ऐसा ही रहा, और हर वक्त लौकिक माँ बैठे योग कराने और उनको वाइब्रेशन आवे। तो जब पहली बार बैठे तो वो उठे नहीं, तो सभा के बीच में बाबा कभी किसी को अपमानित भी नहीं करता था, क्योंकि बच्चे हैं। तो बाबा चाहता था कि इनको चांस दे, मौका दे अपनी गलती महसूस करने का, अपनी गलती की क्षमा मांगने का।
फिर बाबा ने उनको 3-4 मौके दिए और हर वक्त उनको लौकिक माने समझाया, बिठाया, पूछा, लेकिन उन्होंने सच नहीं बोला सो नहीं बोला। आखिर बाबा ने कहा कि अब इनको कुछ सजा दिखानी पड़ेगी। फिर क्या हुआ जानते हो आप? अंतर्यामी बाबा ने लौकिक माँ के द्वारा, वो जब आकर के सभा में बैठे तो सभा में बैठ न पाए ऐसी धर्मराज की दृष्टि, माँ की दृष्टि के द्वारा उनके ऊपर डाली। इतनी कड़ी दृष्टि पड़ी सिर्फ उनके ऊपर कि वो वहाँ ठहर ही न सके और वो कांपने लगे और सभा के बीच में उनको उठना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी और माफ़ी मांग करके कांपते कांपते वो क्लासरूम से बाहर गए। और ये दृश्य जब लौकिक माँ ने सभा में सुनाया तो हमने बाबा को पत्र के द्वारा समाचार भेजा कि बाबा ये तो वंडर हो गया हमारे पास कि ऐसे ऐसे उनको पता चल गया और कैसे बाबा अपने ध्यान में लौकिक माँ को ये दृश्य दिखाया, वो व्यक्तियाँ दिखाई और वो व्यक्तियों को मौका दिया क्षमा मांगने का, परिवर्तन करने का, माफ़ी मांगने का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बाबा कमाल है आपकी, जो उनको आपने महसूस कराने के लिए इस प्रकार से पार्ट प्ले हुआ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आप ये टेप में संदेश भर के भेजो। उस समय टेप मशीन जो पुल वाली होती थी, गोल बड़े बड़े पुल होते थे, वो भरवा के बाबा ने कहा भेजो हमारे पास। फिर बाबा ने कहा ये केंद्रों पे भेजो ताकि बच्चों को ये पता चले कि यहाँ पर कोई अंधेर खाता नहीं चलता, यहाँ कोई ब्लाइंड फेथ की बातें नहीं, यहाँ तो स्वयं परमपिता परमात्मा पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो सभी को पवित्र बनना है और झूठ नहीं बोलना है प्रभु के आगे, प्रभु के दरबार में सच बोलना है और छिपाना भी नहीं है। तो इस प्रकार मैंने आपके आगे ये 3-4 प्रसंग रखे जो कि मैंने प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा के अंग संग जो दिन व्यतीत किए और मैंने जो देखे वो मैंने आपके आगे रखे कि कैसे हमको सादगी और पवित्रता, यही हमारी सच्ची सच्ची रूहानी पर्सनालिटी है। उसी प्रकार निराकार निर्विकार विदेही बाबा ने कैसे नम्रचित्त निर्माण करने वाले और निरहंकारिता धारण करके कैसे बाबा ने काम कराया और फिर कैसे हर बच्चे को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उनको प्यार देकर, मीठी मीठी शिक्षा देकर, खेल खेल में टोली बांटने के एक रूप में उनको बुला करके मीठी शिक्षा देके निश्चय बुद्धि बनाया, प्रभु के प्रति उनका प्रेम प्रकट करवाया और फिर पवित्रता के लिए, जो कि हमारा इस संस्था का क्या, लेकिन प्रभु के प्यार को प्राप्त करने का और भविष्य 21 जन्मों की बादशाही, प्रभु की प्रॉपर्टी, वर्षा प्राप्त करने का जो फाउंडेशन का गुण है, जिस गुण से ही हम सभी इतने महान बनते हैं, ऊंच बनते हैं, परमपिता परमात्मा के और ब्रह्मा बाबा के बच्चे कहलाते हैं, वह गुण बाबा ने प्रैक्टिकल धारण करने वाले क्या होते हैं, न करने वालों को सजा क्या मिलती है, ये हमको एक नमूना बाबा ने प्रैक्टिकल में दिखाया। अतः हम सभी इस 18 जनवरी पर इन बातों को हम याद करते हैं और साथ साथ वर्तमान समय बाबा ने जो कहा, मनसा सेवा करो, और मनसा सेवा के लिए खूब हम बार बार योग का अभ्यास करें और योग का अभ्यास करते हुए हम अपने अंदर इतनी शक्तियां भरें कि उन शक्तियों के आधार पर हम अपना जीवन ब्रह्मा बाबा की तरह आदर्शमय बनाएं, पवित्रता की सूरत बने, मूरत बने, बाप समान बने और हम शिव बाबा का और ब्रह्मा बाप का दोनों का नाम रोशन करें, प्रत्यक्ष करें बाप समान बन करके। तो हम 18 जनवरी हम प्रतिज्ञा लेंगे, जो भी हमारी कमी है, पवित्रता की कमी,
चाहे अवगुण की कमी, चाहे किसी भी शक्ति की कमी, हम प्रतिज्ञा करते हैं आज कि हम उस कमी को मिटाएंगे और बाप समान बन करके बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए मैं फरिश्ता हूँ की धारणा अवश्य करेंगे ही। ओम शांति, ओम शांति।